हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो, जेई मेन का एग्जाम देने वाले हो तो यार आप लोग के लिए हर तरीके की प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ रहा हूँ। तो देखो, करेक्शन विंडो की जो बात थी, करेक्शन विंडो 6 तारीख से होने वाला, आप लोग को अपडेट अंकित सिंह पे मिल जाएगा कैसे करेक्शन करना है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो, तो मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि जो पहले दिन पे एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर 2023 में, तो वही जो अगले दिन जैन 24 को जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी, अब वो मैंने बताया था इजी टू मॉडरेट थी। अब जो जैन 25 को एग्जाम हुई थी, शिफ्ट और वन और टू का एनालिसिस क्या रहा था, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफिकल्ट आया था पेपर, यानी कि पेपर जो था बच्चों को डिफिकल्ट लगा था। डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स ईजी थी, केमिस्ट्री जो है इजी टू मॉडरेट हुई थी, केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट हो गई थी, पर जो मैथमेटिक्स था वो काफी डिफिकल्ट। तो बच्चों मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, जितना हो सकता है मैथमेटिक्स को अच्छा करने की कोशिश करो। तो सेकंड डे की ओवरऑल डिफिकल्टी, ओवरऑल मतलब हम बोलेंगे कि पेपर किस लेवल का था, तो डिफिकल्ट पेपर आया था, ठीक है। तो यही चीज आपको इंपॉर्टेंट है बताना और आप लोग को जो है इसको समझना कि यार देखो पहले दिन पे इजी, दूसरे दिन पे डिफिकल्ट। अब देखते हैं तीसरे दिन का क्या रहेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करके रखो, आप लोग को तीसरे दिन की भी डिफिकल्टी बताएंगे। तो क्या इस साल भी इसी तरीके का पेपर रहेगा कि पहले दिन इजी दूसरे दिन डिफिकल्ट? तो यार हम नेवर एक्सपेक्ट कर सकते, पर उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो सके। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।